एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर आज के यूट्यूब वीडियो का हम लोग का टॉपिक है फिलिफिन सिडनी एज ए क्रिटिक जो कि पेपर फाइव का टी एम बी यू और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आपके सिलेबस का है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं

हु इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ एलिजाबेनेस जो कि एलिजाबेथेनेज के ग्रेटेस्ट फिगर के रूप में भी जाने जाते हैं ही वॉज बोर्न ऑन नवंबर थर्टी फिफ्टीन उनका जो जन्म हुआ था मतलब नवम्बर थर्टी फिफ्टीन फिफ्टी फोर को हुआ था इन कैंट इंग्लैंड इंग्लैंड के कैंट में हुआ था एंड डायड ऑन अक्टूबर सेवनटीन फिफ्टीन एटी सिक्स और उनकी जो मृत्यु हुई थी अक्टूबर सेवनटीन फिफ्टीन एटी सिक्स को हुई थी थर्टी वन ईयर्स ओल्ड थर्टी वन ईयर्स वो जो मतलब जीवित रहे थे सिर्फ इकतीस साल तक जीवित रहे थे दाओ सिडनी वॉज बेसिकली पोएट बाय नेचर सिडनी जो है वो नेचर से प्रकृतिक से पोइट ही

कैरेक्टर के या कोई लिटरेरी वर्क पे कमेंट करने का उसे कैरेक्टर पे कमेंट करने का उसको जज करने का एक आर्ट होता है एक कला होता है लिटरेरी क्रिटिसमिन सक्सेस इन इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में उनको ढेर सारा सक्सेस मिला जो कि आप किसी भी पोइट के बारे में लिखते हो तो उसमें ये लाइन डाल सकते हो ड्यूरिंग ए सॉर्ट ऑफ लाइफ ही वोन लॉट ऑफ लिटरेरी प्राइजेस इन हिज लाइफ इंक्लूडिंग द्यूलिट्स प्राइज फॉर हिज लिटरेरी वर्क अपने छोटे से लाइफ में उनको ढेर सारा लिटरेरी प्राइज मिला जैसे कि पोएट ही वो ए मैन ऑफ लिटरेचर हर्बर्ट रीड इनके बारे में कहते हैं फिलिप कि, कि सिडनी जो है मैन ऑफ लिटरेचर है एज ए क्रिटिक नो वन इंस्टूड बिफोर एंड आफ्टर हिम एज ए क्रिटिक जो है फिलिप इन सिडनी के बिफोर पहले और बाद उनके जैसा कोई नहीं हुआ इज एलिजाबेथन इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ द प्ले राइटिंग जैसे कि एलिजाबेथन मतलब प्ले राइटिंग का गोल्डन पीरियड माना जाता है partally, क्योंकि, मतलब समान, ल, ल, काफी है इस वजह से बिकॉज ऑफ सिडनी सिडनी के, के वजह से एंड पार्टियली बिकॉज ऑफ सिडनी क्रो बहुत हद तक सिडनी के वर्क की वजह से ये एलिजाबेथन इज जो है ये गोल्डन पीरियड ऑफ प्ले राइटिंग माना जाता है सिडनी वॉज ए डोमिनेंट फिगर ऑफ हिज एज अपने एज के वो डोमिनेंट फिगर प्रमुख फिगर थे इफ शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ एलिजाबेथ एज़ का अगर शेक्सपियर ग्रेटेस्ट नाम है फिलिप सिडनी वॉज नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिकिंग एंड लीडिंग क्रिटिक इन इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर के जो है फिलिप सिडनी नो डाउट मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोस्ट इंस्ट्रेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रमुख और लीडिंग क्रिटिक है कि जो कि लीड करते हैं है, लीडिंग करते हैं लीड करते हैं क्रिटिक को इंग्लिश लिटरेचर में हिज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री उनका जो बुक है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री इज ए परफेक्ट लिटरेरी वर्क एक परफेक्ट लिटरेरी वर्क है विच ए राइट सिडनी एट द टॉप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो उनको जो उनको इंग्लिश लिटरेचर के टॉप पे पहुंचाता है हिज द डिफेंस ऑफ पोइजी उनका जो डिफेंस ऑफ पोइजी है इज ए यूनिक एपीटॉम ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये भी यूनिक मतलब बहुत अनोखा एपिटोम यानी प्रतीक है ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ऑफ इटालियन रेनासिस इटालियन रेनासिस का मतलब इटालियन पुनर्जागरण का एंड इट पोर्ट्रेज इटालियन स्प्रिट और ये जो पोर्ट्रे करता है इटालियन स्प्रिट के वो पोर्ट्रे करता है मतलब इटालियन स्प्रिट को चित्रित करता है या उसके बारे में बताता है डिफेंस ऑफ पोएजी इज द अर्लिएस्ट अटेम्प्ट टू डील विद द पोइटिक आर्ट इन प्रैक्टिकल सेंस मतलब जो डिफेंस ऑफ पोइजी है वो व्यवहारिक रूप से उनका अर्लिएस्ट अटेम्प्ट मतलब सबसे पहला प्रयास है जो कि डील करता है पोइटिक आर्ट से मतलब काव्य कला से पोइट्रिक यानी काव्य आर्ट यानी कला से इन प्रैक्टिकल सेंस व्यवहारिक रूप से इस जजमेंट आ बेस्ड ऑन कंटेम्परे लिटरेचर एंड सो एम्पल ऑफ गुड सेंस उनका जो जजमेंट होता था वो बेस्ड होता था कंटेम्प्रेरी लिटरेचर पे मतलब समकालीन साहित्य पर और और एंड सो एम्पल ऑफ गुड सेंस और अच्छे सेंस को दर्शाता था अच्छे समझ को दर्शाता था ही हैज़ दर्श कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एप्रिशिएशन ऑफ लिटरेचर लिटरेचर के अप्रिशिएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया योगदान रहा इन द कंक्रीट सेंस मतलब पूरे यथार्थ रूप से जो उनका साहित्य की अप्रिशिएशन में मतलब आगे बढ़ने में सराहना में काफी उनका योगदान रहा फिलिप सिडनी इज़ ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ़ थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज जो काफ़ी वकालत करते थे थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज की फिलिप सिडनी जो कि है ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन ये ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि वो थ्री यूनिटीज इसके बारे में तो बात करते हैं फिलिप सिडनी इसके बारे में बात करते हैं बट जो थ्री यूनिटीज मतलब पेपर फाइव का सिलेबस है जो कि जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा हुआ है उसमें मेन बात किया गया ऑफ टाइम मतलब टाइम प्लेस और एक्शन के बारे में लेकिन ये जो फिलिप सिडनी भी है जो इसकी वकालत करते हैं दिस थ्री यूनिटीज मस्ट बी ए ट्रू कॉपी ऑफ लाइफ उन्हीं के अनुसार ये जो थ्री यूनिटीज हैं एक कॉपी है लाइफ का मतलब सही रूप में लाइफ की कॉपी है हिज व्यूज ऑफ राइटिंग आर यूनाइटेड उनका जो राइटिंग का व्यू था यूनाइटेड था कल्चर था लिटरे हाईली डिसिप्लिन काफी डिसिप्लिन था हिज अप्रोच ऑफ राइटिंग इज हाइली मीनिंगफुल उनका जो लिखने का राइटिंग का अप्रोच था दृष्टिकोण था काफी मीनिंगफुल भी था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला अब जो का उनका हिज पहले यहां पर हिज हो जाएगा हिज एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एंड अपोलॉजी फॉर पोएट्री द काउंटीज ऑफ पेम ब्रुक

अब जो सिडनी का द डिफेंस ऑफ क्राइम जो है इज ए मास्टर पीस कलेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म ये कलेक्शन है समूह है क्रिटिसिज्म का इज कंपेयर्ड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ सैमुअल सैमुअल कम्पेयर के क्रिटिसिज्म के साथ इसको कंपेयर किया जाता है शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ अपनी छोटी से लाइफ में ही रोट लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ढेर सारा क्रिटिसिज्म लिखे विच मेड ही में ग्रेट सब्जेक्ट जो कि उनको काफी महान बनाता है काफी बना बनाता है ही डिफेंस वो मतलब वकालत करते हैं मतलब क्रिटिसिज्म के वकालत करते हुए है, कहते हैं इट डजंट चेक पोएटिक फेंस रादर इट हेल्प्स पोएटिक फ्लाइट जो क्रिटिसिज्म में है ये पोएटिक फेंस का काम नहीं करता है मतलब काव्य को फेंस मतलब रोकने का काम नहीं करता है रादर इट हेल्प्स पोएटिक फ्लाइट बल्कि ये मतलब उसको ऊंचे उड़ान में मदद करता है मतलब फेंस पोएटिक फेंस यही हो गया कि मतलब काव्य के को को रोकता नहीं है सीमित नहीं रखता है. बल्कि पोएटिक फ्लाइट उसको बढ़ा बढ़ा करता है काफी ऊंचा करता है तो पोएटिक फ्लाइट में मदद करता है इट लिमिट्स द एक्सेस ऑफ पोएट पोएट्स इमेजिनेशन जो क्रिटिसिज्म होता है वो पोइट के इमेजिनेशन का जो एक्सेस होता है ना उसको लिमिट करता है कंट्रोल करता है इट इम्पार्ट फ्रॉम फ्रॉम ऑफ आउटलाइन टू द कंसेप्शन ऑफ पोएट पोएट की कंसेप्शन यानी अवधारणा को ये आउटलाइन प्रदान करता है आउटलाइन आउटलाइन देता है इट गिव्स ए डीपर इम्प्रेशन ऑफ वॉट इज डिलीवर्ड और इसका गहरा इंप्रेशन देता है प्रभाव डालता है कि वॉट इज डिलीवर्ड क्या डिलीवर्ड किया जा रहा है जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है फिलिप सिडनी इज द फर्स्ट डेट ऑफ क्रिटिक्स एंड वन ऑफ द मतलब फर्स्ट माने जाते हैं क्रिटिक के रूप में एंड वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट ऑफ प्रमुख भी माने जाते हैं इज वन ऑफ वन ऑफ द पॉइंटर ऑफ द क्रिटिसिज्मीजन मतलब सारी कंट्रीज में यह है ना क्रिटिसिज्म के पॉइनर माने जाते हैं अग्रदूत माने जाते हैं कि इंट्रोड्यूस करवाने वाले मतलब फिलिप सिडनी ही है उनका एक ही एम्बिशन था कि मैनकाइंड मानवता की सेवा करना बाय द सर्च ऑफ ट्रूथ सच्चाई की तलाश के द्वारा सच्चाई की खोज के द्वारा हिज रैंक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ हिज कंट्री उनके कंट्री में उनको फर्स्ट क्रिटिक का रैंक दिया जाता है ऑफ इज कंट्री उनके कंट्री में बाय वर्च्यू ऑफ क्रिटिसिज्म उनके क्रिटिसिज्म के गुण के कारण विच ही कंसिडर टू बी द लिस्ट ऑफ हिज वर्क जो कि अपने बहुत कम वर्क वर्क में जो वो लिख रखे हैं उसमें से बेस्ट मतलब उनको कंट्री में सबसे आगे रखा गया है सिडनी वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म रिक्वायर ग्रेट अचीवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में जो सिडनी का जो वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला है रिक्वायर मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट सक्सेस मिला है दैट इज वाई यही रीजन है इंग्लिश लिटरेचर इज हाईली एंडेड टू फ्लिप सिडनी इंग्लिश लिटरेचर जो है काफी ज़्यादा ऋणी रहेगा फ्लिप सिडनी का तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ